रब्बा आप लोगों की दीवानगी, परवानगी, चाहत, जुनून और ये जो पागलपन दिखता है ना, इस बूढ़ी अड्डी में भी इतनी जान है ना कि जवानों को भी टक्कर दे सकता है, टक्कर दे सकता है। आपके सामने 59 साल का जवान बात कर रहा है। उम्र जो है ना, जवानी मापने का कोई पैमाना नहीं। बहुत सारे जवान भी बुढ़े दिखते हैं। क्या पैमाना है? 25 साल का उम्र जवानी का पैमाना है तो ये किसका है? ये किसका है? अरे बूढ़ी हड्डी में जब इतनी जान है ना, तो जवानों के अंग अंग फड़कने चाहिए, फड़कने चाहिए, फड़कने चाहिए। क्या मिल सकता है यहां से देखना है ना? देखो एक मिनट में दौड़ के आ जाओ आप दोनों, देखो दिखाता हूं। देखो कहते हैं ना, कहते हैं अमीर बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जवानी में अमीर बनना ये बहुत बड़ी बात है। देखो आप, आपको प्लान में बताया जाता है ना, जनरेशन टू जनरेशन का प्लान है, पीढ़ी दर पीढ़ी का प्लान है, यही बताया जाता है ना। ये देख लो, राकेश जी के बेटे को भी उधर खड़े कर लो, 5 साल का है, 3 पीढ़ी तो इधर ही है, 3 पीढ़ी इधर ही है और तीनों पीढ़ी सुरक्षित है। समझ में आ रहा ना? तीनों पीढ़ी सुरक्षित है। जनरेशन टू जनरेशन जो कहा गया आपको, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा मिलता है, ये बात सच है या नहीं? सर ने अभी क्या बोला, इनको नौकरी ढूंढने की जरूरत पड़ी, इनको नौकरी ढूंढने की जरूरत पड़ी क्या? आप अगर सिर्फ मुट्ठी बांध लेते हैं ना, खानदान में इतिहास लिख देंगे, खानदान में इतिहास लिख देंगे।